नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। दिल्ली NCR में हो रही भारी बारिश राहत कम आफत ज़्यादा दे रही है। मूसलाधार बारिश के कारण जहां दिल्ली में जल भराव हो गया है, वहीं सड़क धंसने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यहां 13 सितंबर की रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। साउथ दिल्ली के अदाचिनी के पास सड़क धंसने से हुए गड्ढे में आधी बस समा गई। जब तक कोई कुछ कर पाता, बस के साथ चली आ रही एक बाइक और स्कूटी भी गड्ढे में गिर गई। हालांकि वहीं मौजूद लोगों ने बिना देर किए बाइक सवार और स्कूटी सवार को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद बस में सवार करीब 3 दर्जन लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के हादसे की वजह की जिम्मेदारी ना तो PWD डिपार्टमेंट ले रही है और ना ही जल बोर्ड के डिपार्टमेंट के अधिकारी। आपको बता दें, साउथ दिल्ली के अदाचिनी के पास अरविंदो मार्ग पर एम्स की तरफ से मेहरौली जाने वाली सड़क 13 सितंबर की रात अचानक धस गई। सड़क में 20 से 25 फीट लंबा और 10 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा हो गया। उसी वक्त आ रही DTC की बस के चालक ने बीच रास्ते में गड्ढा देखकर ब्रेक लगाने की कोशिश की। हालांकि जब तक बस रुक पाती, इसका आधा हिस्सा गड्ढे में समा गया। इसी के साथ बस के पीछे आ रही बाइक और एक स्कूटी भी इसमें गिर गई। बस को क्रेन की मदद से गड्ढे से बाहर निकाला गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही क्षेत्र विधायक सोमनाथ भारती, स्थानीय पुलिस, PWD विभाग और जल बोर्ड विभाग के अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान PWD और जल बोर्ड विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए खुद की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखे और सड़क धंसने की वजह गैस पाइपलाइन के काम को बता दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ।